फिलौर बस अड्डे तो शहर वाल जा रही एक महिला के पर्स खो होने की सूचना मिली है। इस संबंधी जानकारी देंदे पीड़ित महिला अमरजीत कौर वासी पवियाणा ने दस्या कि वह अपने रिश्तेदार के घर फिलौर ढक मजारा विखे आई सी। जदों वह बस अड्डे तो शहर वाल जान लगी तो एक व्यक्ति जिसने पीले रंग की कोटी पाई सी ने दमोरिया पुल नेड़े झपटा मार के उसका पर्स खोलिया तो जखीरे वाल चला गया। उन्हें दस्या कि उक्त वारदात तो बाद मौके पर मौजूद लोगों वालों उक्त लुटेरे का पिछा भी किया गया पर वह भजन में कामयाब हो गया। उन्हें दस्या कि इस बाबत उसने फिलौर पुलिस को सूचित कर दिता है। मगर नठी भी सी भैया जी पट पुराने कपड़े पाओ सी पैदल जा रहे थे मगर मोटरसाइकिल टोल दे बाल लैके बालन सेट के बैक हो के लै गया ते मैं रहना गड़े आ ते ए दोने तुरे आंदे सी उधरों मैं को सीगी सवारी ते इत्थे एक बालन तोड़ के बैठा सीगा और ओ मलक दाणी उठिया ते फर्श खो के नट गया अंदर ही नट गया ए जनानी को। अच्छा। ते असी अंदर गए मिलिया नहीं सानू भज गया अंदर जी आ पैर मेरे भी छिल हो गए है साढ़े। हाँ जी। उधर मौके पर पहुंचे थाना फिलौर के SHO सुरेंद्र कुमार ने पहुंच के पीड़ित महिला पासों सारी जानकारी हासिल की थी। पीड़ित महिला नूं कार्रवाई करके लुटेरा मिलन ते उसका पर्स वापस दिवाउण दा भरोसा दिता। ये आस पास ना जंगल एरिया तो काफ़ी इतने प्रॉब्लम मतलब पहला भी कहते भी ये वारदातों का मेन प्रोन एरिया तो एक तो असं इतने होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इतने पुलिस की बीट बन जाए। ये मतलब पूरी फिलौर एरिए दे विचों यही जब सब तो पुराने एरिया मनिया जा रहा है जो डे टाइम के इस तरह की प्रॉब्लम क्योंकि नाल जंगल आ वो जंगल दे विच निकल के कोई ना कोई वारदात कर देंगे। सर कोई PCR दे प्रबंध हो जाए PCR एक दो गेड़े बज जाने लोगों को थोड़ा राहत मिल जूगी। असी ना पहला रैपिड गड्डी साड़ी इतने खड़ती सी जी तो असी कोशिश करा कि इतने रैपिड गड्डी एक इतने लावा। सर एक कैमरा लगा वो भी मतलब प्रॉब्लम चल रहा कैमरा वो कैमरे दे विच ना नगर कौंसल नाल गल हुई सी जी उत्ते कैमरे तकरीबन 100 तो उपर कैमरा लग्या होया वो दुरुस्त करवा रहे हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट लगे हुआ है। सर लेडीज ने गल हुई की दसिया वो दस रहे थे भी असं जा रहे थे भी मेरा पर्स जो है इधरों लैके मोबाइल फोन उनके हाथ ही है तो मोबाइल फोन नहीं उन्होंने कहते भी इस तरह नाल जो इदा चेतावनी इन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई करा जो काबू आके देंगे फिर